हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो गाइज यार आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो में हम लोग अर्निंग से रिलेटेड तो बात करने वाले हैं, लेकिन एक ऐसे टॉपिक के से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं जिसको यार बहुत सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन यार उसका यूज एक्चुअल में नहीं पता लोगों को कि भाई इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, अब हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि भाई उसको यूज नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे कम से कम भी 70 से 80% लोगों का नाम तो पता है कि हाँ भाई इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन उस चीज के बारे में उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि हाँ इस चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया के अंदर। कुछ तरीके गलत तरीके हैं, कुछ तरीके एकदम जेन्युइन तरीके होते हैं, सही तरीके होते हैं। अब गलत तरीके के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज में बताया कि आप किसी और की स्टोरी का यूज करके थोड़ा सा उसमें करेक्शन करके वहां से अर्निंग कर सकते हो, डेफिनेटली अर्निंग हो सकती है। लेकिन यार एक चीज होती है कि भाई थोड़ा सा ना अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हाँ भाई अगर कोई बंदा मेरे से बोलता है कि हाँ यार ये जो स्टोरी है वो किसी और की स्टोरी से मिलती जुलती है, तो क्या आपने उस चीज को कॉपी किया है, तो थोड़ा सा वहां पे यार लगता है कि हाँ भाई हमने दूसरे की स्टोरी को कॉपी किया है, उससे हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल गलत तरीका, बिल्कुल गलत तो होगा कि भाई आप वहां से पूरी की पूरी स्टोरी उठा रहे हो, वहां से टोटल कॉपी की पेस्ट कर दी, कॉपी की पेस्ट कर दी, पॉकेट एफएम ने भी आपकी जो स्टोरी है उसको थोड़ा मतलब ज्यादा चेक नहीं किया, उसको एक्सेप्ट कर दिया और वहां से उसको अर्निंग आपकी हो रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों की अर्निंग होती है। लेकिन वहां से बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आप लोगों को वो जो पैसा है ना जितना भी आपने अर्न किया और बाई चांस आपकी स्टोरी पॉकेट एफएम की नजरों में आ जाती है, वो उस स्टोरी को रिजेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन जितना आप लोगों ने वहां से पैसा कमाया है ना वो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा पॉकेट एफएम को। ठीक है, तो ये चीज भी वहां पे आ जाती है। तो ऐसा ही मेरे पास में भी एक मैसेज आया था कि भाई मैंने मतलब ये कॉपी करके स्टोरी लिखी थी, अब वो उससे रिजेक्ट हो गया, उन्होंने शायद 9,000 या 15,000 के आसपास में कमाए थे कि अब ये वापस मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने उनसे बोला कि भाई अगर कॉपी किया तो यार वापस तो करने पड़ेंगे, अगर आप टोटल कॉपी किए तो भाई सिंपल सी चीज है यार, वो किसी और का कंटेंट है। ठीक है, बट ये हो गए गलत तरीके। लेकिन यार राइट तरीके भी बहुत सारे, यूट्यूब से लाइक यूट्यूब से अर्निंग करना, फेसबुक से अर्निंग करना, ठीक है, और उसके बाद में अमेजोन से अर्निंग करना, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लाइक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, रेफरल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर हो गया, ठीक है, और उसके बाद में रिव्यूज का आपका प्रोडक्ट हो गए, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप शॉपिंग करते हो या फिर आपके आसपास में कोई बंदा है जो रेगुलर शॉपिंग करता है, वहां से प्रोडक्ट्स को लो, उसके रिव्यू वीडियोस बनाओ। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वीडियोस बना के आप लोग खुद की जेन्युइन वीडियोस बना करके अर्निंग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नाम आप लोगों ने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गाइस कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को जो कंपनी है उसको सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए ना वहां पे एक चीज आती है कि भाई उसका एडवर्टीजमेंट करनी होती है। जो एडवर्टीजमेंट होती है ना, वो जो बंदा भी एडवर्टीजमेंट करना है करता है, वो सबसे ज्यादा पैसे वहां पे चार्ज करता है। लाइक आपने देखा है माउंटेन ड्यू, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक माउंटेन ड्यू, वहां पे क्या है यार माउंटेन ड्यू का एड जो बहुत सारे एक्टर्स करते हैं, लेकिन जो मेन ज्यादातर मैंने जो एड देखे हैं वो ऋतिक रोशन करता है, लेकिन यार ऋतिक रोशन एक एड शूट करने का करोड़ों रुपए चार्ज करता है, लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि यार उसने तो एक बार मेहनत की, एड बना दिया, लेकिन उस एड से उसकी सेल कितनी बढ़ गई, ठीक है, कंपनी की सेल, जब कंपनी को दिख रहा है कि हाँ भाई इस बंदे के प्रमोशन करने से मेरी कंपनी को फायदा हो सकता है, तो वहां पे वो एडवर्टीजमेंट कराती है। इसी चीज को सिंपल तरीके से बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आप किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, वहां से प्रमोट करने के बाद में आप उस प्रमोट किए हुए प्रोडक्ट की वजह से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं, फेसबुक क्रिएटर हैं, ठीक है, बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि यार लाखों रुपए कमाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, तो इसके ऊपर हम लोग पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, क्योंकि यार एक वीडियो के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हम लोग किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं उनसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अमेजोन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरीके से अकाउंट बनता है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीजें करनी होती है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को काफी मस्त मस्त यहाँ पे वीडियोज मिलने वाली है।
और चलिए, और हाँ यार एक चीज और, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पे देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम को, ठीक है। तो आप लोगों को भी गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को सर्च करना है ना, वो सर्च करना है यहाँ पे अमेजोन, ठीक है, amazon.in/associates-central, ठीक है। ये वाला जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। आप लोग अगर इतना नहीं लिख पाते हो, amazon affiliate करके आप लोग लिख देना तो आपके सामने ये वाला जो लिंक है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहां से आपको क्लिक कर लेना है, इसको आप लोगों को डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे जब आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे आप लोग एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट का, ठीक है। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपके फ़ोन है वो बिल्कुल पीसी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने किया, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन पे क्लिक करते हैं हम लोग। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देखो नीचे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जीमेल आईडी दिख रही है, पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन इन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यार साइन इन नहीं करना, हम लोग को इसके अंदर क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है द ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आर यूजिंग आर नॉट कनेक्टेड टू एन एसोसिएट अकाउंट, इफ डोंट हैव एन अमेजोन एसोसिएट अकाउंट प्लीज ज्वाइन अस, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। तो बोल रहा है कि अगर आप लोग ईमेल आईडी वगैरह आप लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हो। तो ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखो यार इसको आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको फिल करनी होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे जो अकाउंट है, मैंने एक बार पहले प्रोसेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी डिटेल आ चुकी है योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है हमारा, ठीक है, मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस दिख रहा है। यहाँ पे देखो हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, ठीक है, द पे लिस्टेड अबोव या समवन एल्स। आप किसी और के लिए बना रहे हो तो समवन एल्स कर सकते हो, या फिर अपने लिए बना रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर यूएस टैक्स पर्पस यू आर ए यूएस पर्सन। तो गाइज हम लोग यूएस से नहीं है, हम लोग इंडिया से है, तो ये सॉरी नो पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगर आप लोग यूएस से हो तो आप लोग येस कर सकते हो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि भाई आपका कोई मोबाइल ऐप है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसका लिंक यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अपना जो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है देखो, इसमें अगर आपका कोई एप्लीकेशन है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन हमारे पास में एप्लीकेशन नहीं है, हमारे पास में एक यूट्यूब चैनल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक अपने यूट्यूब चैनल का ही यहाँ पे लिंक देने वाले हैं। तो मैं फटाफट से अपने चैनल का लिंक कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपने YouTube चैनल का जो लिंक है उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो, अगर चैनल को चेकआउट करना चाहो। चैनल का नाम टेक्सपर्ट बॉस है, ठीक है, जिसपे मैं साइंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सॉरी प्रोजेक्ट्स डालता हूँ, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोज डालता हूँ। तो आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और उसके बाद में यहाँ पे करने के बाद अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास में यूट्यूब चैनल नहीं है। तो गाइज यूट्यूब चैनल जो इजीली क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अपनी जीमेल आईडी से आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब चैनल। एक बार वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जाके किसी की भी, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब चैनल जो है वो किस तरीके से क्रिएट करना है। अब फर्क नहीं पड़ता आपके 1 सब्सक्राइबर है या फिर 1,000 सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, कोई मैटर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपका बस चैनल का लिंक यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे चैनल का लिंक बन चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो डिटेल्स में हम लोगों को यहाँ पे ये जो चीज़ है ना वो फिल करनी होगी सही तरीके से। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, तो यहाँ पे हम लोग को अपनी स्टोर आईडी रखनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं रख लेता हूँ अंकित करके, उसके बाद में कुछ मैं नंबर डाल देता हूँ कोई भी, लाइक 9720, तो इतना मैंने डाल दिया 9720। उसके बाद में व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आए हैव ए, देखो गाइस मेरी इंग्लिश स्टोरी थोड़ी कमज़ोर है, तो सेंटेंस आप लोग खुद से लिख सकते हो, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। तो आई हैव ए यूट्यूबर सॉरी आई हैव ए यूट्यूब अकाउंट
यूट्यूब अकाउंट, ठीक है, आई मेड वीडियोस ऑफ साइंस एंड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने इतना लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना लिखा। उसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है उसमें बोल रहा है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स, ठीक है, आपके किस तरीके से यहाँ पे जो वेबसाइट है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पे ब्लॉग की है, कंटेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट वेबसाइट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पेजेस या ग्रुप्स कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप लोग कर सकते हो, जो भी आपकी जिस भी टॉपिक पे आप लोगों का चैनल है। तो यहाँ पे कंटेंट वेबसाइट, यहाँ पे इस पे ही क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में बोल रहा है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सर्च लिख ले, यहाँ पे जो है ना सेकंड नंबर ऑनलाइन सर्च, तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ आ गया, ऑनलाइन सर्च पे हम लोग कर लेते हैं। ट्राई ऑडियो कैप्चर, ठीक है, कैप्चा यहाँ पे ये कर सकते हो, या फिर ये वाला कैप्चा जो है इसको फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पी थ्री बी डी एफ डी, तो यहाँ पे हम लोगों ने किया। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, टिक लगा देंगे, जो ब्रैकेट है यहाँ पे छोटा सा इस पे टिक लगाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट यूजिंग एसोसिएट सेंट्रल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो चीज़ है यहाँ पे आ चुकी है। अभी बोल रहा है कॉन्ग्रेट्स अंकित, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजॉन डॉट इन एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आई डी इज़, जो यहाँ पे हमारी ये जो आईडी है वो आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि कभी अगर हम भूल जाते हैं तो हम लोग आईडी से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग देखो, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको बाद में भर सकते हो, ऑप्शन आ जाएगा, और अगर साथ के साथ भरना चाहो तो साथ के साथ भी भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग जैसे अभी कर लेते हैं, नाव पे क्लिक करते हैं, तो नाव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करते हैं। तो साइन इन पे यहाँ पे हम लोग एक बार क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी जो आईडी है वो ओपन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे शायद इसने जो हमारा पासवर्ड है वो कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे बोल रहा है चूज़ वेयर टू रिसीव द वन टाइम पासवर्ड, टेक्स्ट मी, ठीक है, तो टेक्स्ट मी कर लेते हैं हम लोग, सेंड ओटीपी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है हमारा जीमेल आईडी में बाउंड है, ठीक है, उस पे मेल आएगा, तो यहाँ पे मेल सॉरी मैसेज आ चुका है, कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको हम लोग पेस्ट करके साइन इन कर देते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड बात नहीं है। पहले के टाइम पे जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, बट अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस हो चुका है इसमें। तो वीडियो हालांकि लंबी हो रही होगी, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, अगर सीखना है तो गाइस करना तो हम लोग को पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू मोनेटाइज इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग इन एन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, क्लिक हेयर टू लर्न मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको अपनी बैंक डिटेल भरनी होगी, तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल भर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे जो एक ऑप्शन है सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दो तीन ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे लोकेशन आ चुकी है, बैंक लोकेशन इंडिया ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि हम इंडिया से हैं, और बैंक करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ है, सिंपल सी चीज़ है यार, इंडिया में है तो इंडियन रुपीज़ ही होंगे। बैंक अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, होल्डर नेम में आप लोगों को भरना है। अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर सही से देख लेना है कि गाइस नंबर गलत नहीं होना चाहिए, कंफर्म करना है इसके सामने जो कंफर्म है। बैंक नेम लिखना है, बैंक का नाम क्या है आपका, ठीक है, और उसके बाद में आईएफएससी कोड क्या है। तो मैं फटाफट से इन चीज़ों को फिल कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे यहाँ पास में यहाँ पे एक ऊपर जो है ना एक मैसेज आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पे जो है ना देखो, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन एंटर दिस इन्फॉर्मेशन एंड सॉरी एनी अपडेट टू टैक्स इन्फॉर्मेशन आफ्टर 15th इन दिस मंथ विल बी इन इफेक्ट ओनली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज इफ़ टैक्स इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी सबमिटेड। तो यहाँ पे हम लोगों को टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं,
तो जैसे हम टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इंपोर्टेंट नोटिस यहीं पे वापस से आ चुका है। ठीक है, एक बार और टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके देख लेते हैं, कभी कोई दूसरा नहीं, यहाँ पे यही जो ऑप्शन है यही आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है। अगर इनकम्प्लीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन एंटर दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है इंडिया करंट टैक्स स्टेटस पे हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ना कुछ चीज़ें जो है वो फिल करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे वॉट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो इंडिविजुअल यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, बिजनेस नहीं करना है। उसके बाद में प्लीज़ प्रोवाइड द प्रॉपर्टरी बिजनेस नेम इफ़ एप्लीकेबल, तो ऑप्शनल है ये भी। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर है सिलेक्ट योर कंट्री, इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, व्हाट इज़ योर कंट्री इंडिया। ठीक है, प्रोवाइड योर पैन कार्ड नंबर, तो गाइस पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर जो एंटर कर देता हूँ एक बार, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर दिया, ऊपर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो मैंने हाइड करके रखा हुआ है गाइस पैन कार्ड नंबर, लेकिन वैसे हम लोगों ने एंटर किया है तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में आ चुका है ब्रैकेट, अगर गलत होगा तो रेड कलर में आएगा। ठीक है, होगा ही नहीं आगे का प्रोसेस। बाकी जो दो ऑप्शन है गाइस ये है GST और MSMEDID करके है, तो ये ऑप्शनल है, इनको हम छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, तो यहाँ पर हम लोग अपना फुल नेम जो है वो टाइप कर देते हैं, अपना अंकित ही हमारा फुल नेम है हर हर एक जगह पे। ठीक है, डेट यहाँ पे आप लोग देखो, डेट जो है आज मई है। ठीक है, 13 मई 2023, तो यहाँ पे डेट जो है ये रहने देते हैं। अंकित हम लोगों ने नाम अपना सिलेक्ट किया, अपना पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोडर लेटर, यहाँ मतलब कुछ डिटेल्स ये मांग रहा है, स्टेटस अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इनकम टाइप सर्विस। ठीक है, और विद होल्डिंग रेट 1.0%, रीटेक के लिए बोल रहा है अगर डिटेल जो दोबारा भरनी है तो। ठीक है, प्लीज़ अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, तो इनमें से हम लोग कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, और किस चीज़ का करना होगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना हम लोग सिलेक्ट फाइल करके अपने पैन कार्ड वगैरह की किसी भी चीज़ की फ़ोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू क्लेम ए रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब कि जो भी चीज़ है तो वो गवर्नमेंट से इशू होनी चाहिए वैसे तो। तो यहाँ पर हम लोग अपने पैन कार्ड की जो एक फ़ोटो है उसको अपलोड यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है पेंडिंग वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे चेकिंग होगी इसकी, उसके बाद में हमारा जो वह प्रोफाइल थी वहाँ पे कंप्लीट दिखा दिया जाएगा। तो एग्ज़िट हम लोग यहाँ से करते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड तो दिखा रहा है लेकिन कंप्लीट अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे जो रेड कलर में ब्रैकेट है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैंने आप लोग बता दिया कि भी किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं हम लोग, आगे के जो प्रोसेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वेट जरूर से कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।